नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज की सुर्खियां मेधा और अरिंदम से। आज सबसे पहले बात विधानसभा की, साथ ही आपको बताएंगे कि जैसलमेर का मरु महोत्सव शुरू हो गया है। उधर जोधपुर में G20 शेरपाओं की बैठक में पहले दिन वैश्विक कौशल पर चर्चा हुई। पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। ऐसे कड़े कदम किसी भी राज्य में नहीं उठाए गए हैं। राजस्थान का कोरोना प्रबंधन देश में बेहतरीन रहा है तो घोषित योजनाओं की क्रियान्विति में भी सरकार बहुत आगे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए बोल रहे थे। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, हमने ट्रांसपोर्ट फ्री किया, करीब 26 लाख हमारे अभ्यर्थी थे, खाना भी मिला उनको, रहने की व्यवस्था भी करी। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो रहे हैं गुजरात में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, प्रदेश में, सब जगह में। पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है, हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है, हमने बरकार के नौकरियों से, ये मुद्दा ऐसा है राष्ट्रव्यापी समस्या है, कैसे हम उसको हल करें। हम जो जवाब देंगे हम मानेंगे उसको, हम चाहेंगे अभ्यर्थी का भविष्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान में नंबर वन है कोरोना के मैनेजमेंट के अंदर, हमें आप सबका सहयोग मिला, उसके अंदर धर्म गुरुओं का मिला, आम जनता का मिला। कोरोना के मैनेजमेंट में हमारे लिए गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने, कृपया का मैनेजमेंट किया, डॉक्टर जानते, नर्सें जानती है, रास्ता के लोग जानते, जो तकलीफ में आए थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने। एक के बाद एक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शानदार पानी की योजना है, बिजली की योजना बन रही है, सड़कें शानदार बन रही है, घर घर पेंशन मिल रही, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को। किसान खुश है, आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है, चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे भर्ती करने की बात हो। किस सरकार में 3.5 लाख के लगभग नौकरी लग रही हो, हमने 1,17,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 नौकरियां प्रोसेस के अंदर है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख को हमने घोषणा कर रखी है। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना प्रक्रियाधीन है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विधानसभा में कहा कि इसके साथ 3 साल का इंटरनेट एक्सेस भी मिलेगा। डॉक्टर कल्ला प्रश्नकाल में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। सरकार ने बजट 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इस योजना के तहत 3 साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने हैं। प्रदेश में 1,37,82,951 परिवार दिनांक 31 जनवरी 2023 तक पंजीकृत हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सदन को आश्वस्त किया कि गंभीरी नदी के बहाव क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। उधर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बताया कि 32 नाला सिंचाई परियोजना का 75% काम पूरा कर लिया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भरोसा दिलाया कि निर्धारित मापदंड पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से सहकारी समितियों का गठन होगा। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि नौकरियों में स्थानीय युवाओं को अवसर मिले, इसके लिए नीति बनाने पर विचार किया जाएगा। बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार विभाग के स्तर पर रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल 244 जॉब फेयर का आयोजन कर 27,687 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए प्राथमिक रूप से चयनित कराया गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 24,011 आशार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया गया। जोधपुर में आज से G20 शेरपाओं की बैठक शुरू हुई। इसमें 29 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन रोजगार कार्य समूह की बैठक में वैश्विक कौशल और आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर चर्चा हुई। सम्मेलन 4 फरवरी तक चलेगा। जैसलमेर के मशहूर मरु महोत्सव का आज परमाणु नगरी पोखरण से आगाज हुआ। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गुब्बारे उड़ाकर महोत्सव की शुरुआत की। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। अब 5 फरवरी तक जैसलमेर में लोक संस्कृतियों के रंग बिखरेंगे और कई आयोजन होंगे।